Click on the subscribe button and press the bell icon for more updates. Hello friends. Shubhrabhat. My name is Vicky Das. Today I am going to show you a watercolor. This is a seascape. I will show you a seascape. Probably this is my first time. वाटर कलर में डेमोन्स्ट्रेशन देना वो भी बोल बोल के देना ये मेरा शायद पहला है, इसके पहले मैं अभी तक किया नहीं। तो ये सोच रहा था, देखता हूँ कर पाता हूँ कि नहीं। बहुत सारे मेरा दोस्त ने मुझे बहुत बार रिक्वेस्ट किया था, सोच रहा था बोलो यार, बहुत कमेंट भी आया, मेल भी आया था, वो भी मेरे फाइनली सोचना ना ठीक है। तो मैं एक ट्राई करके देखता हूँ, वैसे होता कि नहीं, क्योंकि मैं आज तक ऐसा कभी दिया नहीं। सो इसीलिए देखता बोलो तो थोड़ा सा बोलो यार, तो भी लोगों को अच्छा लगेगा, मुझे पता भी होगा कौन से कलर क्या यूज़ कर रहे हैं आप। तो ये सोच के ठीक है, ट्राई करता हूँ, ट्राई करने में क्या आता है ना। तो चलो, और वो भी मैं सोचा था मेरा शायद इंडिया में बहुत देखता है मेरा वीडियो, तो ठीक है हिंदी में ट्राई करता हूँ। इंग्लिश में थोड़ा मेरा भी प्रॉब्लम होगा बोलने पे, लेकिन बोल सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम होगा थोड़ा सा समझ। सोचो ना, अगर ये चीज मन का बात है तो अच्छे से बोल पाऊंगा मैं हिंदी में, तो इसलिए सोचो ना हिंदी में कर देता हूँ। ओके, सब देखिए मैं भी एक्चुअली क्या कर रहा हूँ, स्केप का एक जब ड्राॅइंग कर रहा हूँ पहले, और मेरा ये स्टेटलर पेंसिल है, क्योंकि मैं बेसिकली यूज नहीं करता, कभी कभी यूज़ करता हूँ, तो ये ड्राॅइंग कर रहा हूँ। फिर ये एक शिप है, फिशिंग शिप, और जो मैंने लोकेशन चूज किया एक्चुअली वो गुजरात का द्वारका शहर में है। तो वहाँ में, क्योंकि मैं जब गया था तब वहाँ बहुत मैं इतना फिशिंग शिप देखा, तो मैंने सोचा ना कि मैं तो चल पेंटिंग भी कर लूँ वहाँ। तो वहाँ मैं कर नहीं पाया, इतना धूप था और सिचुएशन कैसा था, फैमिली ट्रिप में गया था, तो सोचा ना मुझे फोटो खींचा, वही फोटो से कर रहा हूँ। देखिए, और वहाँ का थोड़ा वेदर के बारे में बोल रहा था तुम्हें, कि वेदर बहुत ही खतरनाक गर्मी है, तो वहाँ जाके खड़े होके ऐसा लोकेशन करना, और वो भी बहुत ट्रैफिक होता वहाँ, तो आदमी का बहुत भीड़ है, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है। दैट्स व्हाई तो नहीं, डायरेक्ट फोटो खींच लेता हूँ, फोटो क्लिक उस टाइम में करना तो मुश्किल है मेरा लिए, फोटो दो चार फोटो खींच लेता हूँ, फिर उसको ट्राई करूँगा मैं, क्योंकि मैं सीस्केप में अभी तक आज तक मैंने लाइव मतलब वाटर कलर किया नहीं, करने का मन है, लेकिन कभी भी अगर मौका मिले तो जरूर करूँगा मैं। ओके, ये शिकन नीचे वाला हिस्सा हो गया मेरा, यहाँ के एक्चुअली ये जो शिप मैं बना रहा हूँ एक्चुअली रिपेयर कर रहा था, तो मुझे वो लोकेशन अच्छा लगा, उसे कलर भी बहुत सेंसिटिव, तो देखेंगे अब, देखते रहिए, ऐसे कलर भी करूँगा मुझे लगता है। और जो सबसे बड़ी बात क्या है, मैं आज शायद यूट्यूब में जो पेपर यूज कर रहा हूँ ना, एक्चुअली कैंसल पेपर है, तो मैंने इसके पहले से यूज नहीं किया, किया हूँ लेकिन ऐसा जो वीडियो में किया था उसमें वीडियो में भी यूज नहीं किया, अच्छा हाँ किया गया, दो चार वीडियो में किया था, हाँ याद है। तो मैंने आज सोचा क्या हैंडल में करूँ, आज थोड़ा सा अलग पेपर में कैंसल में करके देखता हूँ होता है कि नहीं। दैट्स व्हाई यूजिंग, ओके अच्छा दोस्त, आप लोगों को शायद मेरे बारे में जानने के लिए वो इच्छा होती है कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं, कैसे करता हूँ, क्या बात है। अच्छा एक्चुअली मैं बेसिकली आसाम से हूँ, आसाम के मैं गुवाहाटी में जन्मा हूँ, फिर मैं दूसरा घर था विश्वनाथ, चलो वहाँ चला गया, फिर मैं वहाँ में डिग्री मतलब डिग्री सॉरी HS पास करके मैं गुवाहाटी आर्ट कॉलेज में पढ़ रहा था, फिर गुवाहाटी में आर्ट कॉलेज से दो साल करके अभी मैं शांतिनिकेतन पढ़ रहा हूँ, जो रविंद्रनाथ ठाकुर का स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, रविंद्र विश्व भारती यूनिवर्सिटी, वहाँ पढ़ रहा हूँ मैं अभी। अभी मेरा सेकेंड ईयर चल रहा है यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में,
और आपको तो सोचता है एक्चुअली मैं स्कल्पचर डिपार्टमेंट से हूँ, नॉट एट पेंटिंग डिपार्टमेंट, मैं स्कल्पचर डिपार्टमेंट से हूँ, मैं स्कल्पचर भी करता हूँ, लेकिन आर्ट्स तो बंद है मेरा एक्चुअली क्लास, तो मैंने सोचा आज क्यों ना वीडियो बन लूँ। तो मैं जब क्लास एक्चुअली मैं सोचता हूँ रोज रोज वीडियो बनाऊँ, लेकिन क्या करूँ मुझे टाइम नहीं मिलता बहुत, क्योंकि क्लास का प्रेशर भी है, क्लास भी करना चाहिए। तो हम लोग क्या होता है आर्ट कॉलेज में होल डे और होल नाइट क्लास होता है। तो यहाँ मैं कभी कभी रात को भी काम करना पड़ता है, नहीं टाइम नहीं मिलता, कभी कभी ये भी करना पड़ता है, मतलब सब देखना पड़ता है, सब भी करने का मन करता है, लेकिन टाइम के वजह से बहुत कुछ कम हो जाता है। तो मैं ट्राई करता हूँ करने के लिए, रेगुलर करने के लिए चीज़, क्योंकि मुझे वाटर कलर वैसे बहुत पसंद आता है, मैं इस पसंद शौक है, इसे शौक के लिए मैं कर रहा हूँ, ऐसा कोई बात ही नहीं है, शौक को पूर्ण करने के लिए लोगों की इच्छा के लिए, लेकिन मैं तो इसका कल्चर ही करता हूँ वैसे के लिए ज़्यादातर करता हूँ, देखता हूँ अभी तो चल पाता है। अभी लोग बोलते ठीक है तो ये छोड़ो मत कंटिन्यू रखो, लेकिन क्या करो भाई, टाइम तो किसी के लिए मिलता नहीं। मेरा एक शिफ्ट हो गया, ये जो रिपेयर होता है इस पर अभी रिपेयर के मैंने वो चीज़ डाला नहीं, एक सेकंड, यहाँ शेडो होगा और यहाँ जो है ये है क्लिप, मतलब नाव का इसके ऊपर ही क्लिप रखा है, सॉरी ये क्लिप, दो चार क्लिप देना पड़ेगा क्लिप की वजह से, ये है ओके। क्लिक ओके, यहाँ में क्या है टूल है छोटा छोटा, तो मैं ये बाद में कलर से दूंगा, अभी नहीं दूंगा, ड्राइंग करके फायदा नहीं, एक ही बात करूँ, मैं बहुत कम ड्राइंग करता, लेकिन आज बहुत ड्राइंग कर रहा हूँ, ड्राइंग करने का मैं कभी कभी पेंसिल भी यूज नहीं करता, डायरेक्ट कलर पे करता। आप अगर मेरा पिछले वीडियो देखेंगे तो वो समझ में आएगा, मैं बहुत पेंसिल यूज़ करने का मन ही नहीं, कभी कभी वो चाहिए, मतलब कोई कोई जगह पे इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कैलकुलेशन करना पड़ता है उसके लिए, तो ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर कभी कभी लैंडस्केप मैंने या मन से कर रहा हूँ तो करता नहीं, अगर मेरे वो असम का जो लैंडस्केप देखे हैं तो असम का, मतलब लोकेशन असम का है, तो मैंने एक्चुअली वो अपने मन से किया है, लेकिन क्योंकि मैं असम से भी सीख रही हूँ, अपने मन से ट्राई करता हूँ, देखता हूँ हो पड़ता है कि नहीं। ओके तो ठीक है, आप लोग एंजॉय कीजिए, मैं कर रहा हूँ, पहला सबसे बड़ा बात है कि मेरा ये पहला वीडियो है, जैसे बोलो डेमोस्ट्रेशन देना मेरे तो होता नहीं, तो अगर कुछ गलती भी हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा आप लोग, तो सब समझ ही रहा है मेरा सिचुएशन। ओके शैडो ओके, ये जाएगा यहाँ से, ये लाइन थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में है तो थोड़ा सा दे देता हूँ, आप लोगों को समझने में इजी होगा, क्योंकि बाद में भाई ड्राइंग क्या कि मैं, क्योंकि मैं कभी कभी क्या होता है ड्राइंग करता हूँ सही, लेकिन कलर करते करते वो चेंज हो जाता है, वो एक नहीं रहता, मतलब कलर करते करते चेंज हो जाता है। ग्रीन है ग्रीन ही दे दूंगा, ग्रीन देना चाहिए था, लेकिन थोड़ा ऐसे ठीक दूंगा नहीं, कलर क्या होता है वाटर कलर में कोई कोई चीज़ अवॉइड करना पड़ता है, जो चीज़ है वही देना पड़ेगा, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, अवॉइड भी करता हूँ, कुछ कुछ चीज़ देता नहीं, अगर कोई कोई कुछ कुछ चीज़ मैं दे देता हूँ वैसे उसको थोड़ा सा सुंदर तो बनाने के लिए।
पत्थर होता देना देना होगा, क्योंकि साइड में है ना एक्चुअली क्या होता है, सी के साइड में होता तो पत्थर में दो चार रहता है, बराबर होता देखने में लगता है, और उसका गंदा टाइप का होता है जगह पे, तो ट्राई करेंगे। ओके अच्छा, यहाँ पे आदमी देखेंगे, मैं दिखाऊँ थोड़ा ड्राइंग कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा शिप है, बहुत बड़ा शिप है, नहीं वरानी में फिशिंग है ना, तो जरूर अगर सी में चलता है तो ये जरूर मरा होना ही चाहिए, नहीं तो भाई जो है। ओके मैं इसके ऊपर ही दूंगा आदमी दो चार, लेकिन अभी नहीं कलर के साथ दूंगा डायरेक्ट, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं स्काई कलर। तो स्काई कलर में इधर क्योंकि मेरी बहुत लाइट एंड शेड पड़ेगा, बहुत धूप है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा अभी ब्लू यूज करूँगा। तो कौन सा ब्लू यूज करूँगा, प्रशियन ब्लू, ये है प्रशियन ब्लू। सो देन बहुत ज़्यादा हो गया तो सब पानी मिक्स कर लेता हूँ। ओके इट्स नॉट बेटर, हाँ ये सही है, देखता हूँ। सोच रहा था मैं एक बार इसको क्यों ना वाश ही कर दूं, है ना, तो अगर पानी से मैं ऐसे कर कर ही दूं, तो पेपर वो कलर सूख लेगा, मतलब पानी सूख लेगा, तो मैं अभी जब कलर दूंगा तो वो थोड़ा सा ब्राइटनेस कम हो जाए, क्योंकि वो कलर चूस लेगा, फिर पानी चूस लेगा, मैं पानी डाल दिया, पर स्काई है तो उसको अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि वो एक ही बार में करना पड़ेगा, उसको नेक्स्ट टाइम अगर टच करूंगा तो मैं वो खराब हो जाएगा। तो एक सेकंड थोड़ा सा रुकता हम लोग। ओके थोड़ा सूखा ये कलर, देन आई आगे बड़ा ब्रश, बिग ब्रश, उसके बाद कलर चाहिए। एक वॉश की तरह दिया जस्ट, लेकिन लाइन नहीं दिखाई जाना चाहिए। अभी इसमें मैं थोड़ा सा और कलर यूज करूंगा, जैसे थोड़ा सा स्लाइटली ऑरेंज, स्काई कलर स्काई में देना है स्लाइटली। ओके स्लाइट जस्ट थोड़ा सा। ओके नाउ मैं बहुत ही थोड़ा सा डार्क कलर लूंगा, क्योंकि इसको वो आना चाहिए, देखता हूँ दे पाता हो कि नहीं, कलर मिक्स होता कि नहीं। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कलर मिक्सिंग, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, आप थोड़ा देखिएगा आप जो भी कलर यूज करेंगे वो थोड़ा सा मिक्स करके देना कलर।
मैं भी ये व्हाइट पैंट छोड़ने का ट्राई कर रहा हूँ, तो रिफ्लेक्शन आता है वो वाला। तो मैं एक्चुअली थोड़ा धीरे धीरे कर रहा हूँ, ठीक है, टाइम लैप्स नहीं होगा, ये पूरा कंप्लीट वीडियो होगा, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा होगा, शायद एक डेढ़ घंटा भी हो सकता है। तो आपको पूरा मत मानिए, पूरा बोर मत है, थोड़ा सा देखते रहिए, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। कि मैंने जो स्टार्ट ही किया उसको ख़त्म करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन मुझे पता थोड़ा अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि टाइम लेके कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा देखता हूँ क्या होता है। तो एक्सपेरिमेंट भी करना चाहिए, थोड़ा सा काम में टाइम भी देना चाहिए। मेरा एक्चुअली पैसेंस बहुत कम है, तो मैं काम में ज़्यादा टाइम दे नहीं पाता, बहुत ही कम टाइम करना ट्राई करता हूँ, शायद है मेरा नेगेटिव। ये बात सच है कि सब काम में फुल टाइम दे नहीं सकता, कभी कभी वो कम टाइम में काम करना पड़ता है, चाहिए वो भी इम्पोर्टेंट है। Okay, now my sky is finished. Then I will start the background. Okay, then what color are you use? Okay, this brush. Okay, 1 second. मैं इसको बैकग्राउंड पे कर दूंगा, तो बैकग्राउंड पे एक ग्रीन एंड सम ब्लू मिक्स करके दूंगा। एक ग्रीन दिया, डार्क ग्रीन, ब्लू एंड ब्राउन, मैं कलर बनाते रहता हूँ, मतलब कि जब तक कलर मिक्सिंग नहीं होगा तब तक मैं कलर बनाते ही रहता हूँ, तो कलर मिक्स होने तक दूसरे साइड में बनाते रहता हूँ, मतलब मुझे तो पता है कलर मिक्सिंग करना है, कलर मिक्स करके देना है, अलग से कलर निकालना है। ओके, ये थोड़ा सा डार्क ग्रीन में आ गया। अच्छा, मैं ये मेरा स्प्रे है एक्चुअली, इसमें स्प्रे देता हूँ थोड़ा सा, दे दिया इसमें थोड़ा सा। ये क्या ग्राउंड कलर है, शाइनिंग ब्लू। ओके, डार्क ग्रीन इज नॉट रेडी, मुझे थोड़ा लाइट ग्रीन दे, कि ये बड़ा थोड़ा डार्क होगा, सोच रहा था तो सर ब्राउन। ओके, थोड़ा लाइट कर दे रहा हूँ। ओवरऑल वैसे कि आपको थोड़ा कॉन्टिन्यूस करते रहना चाहिए, पूरी वेट थोड़ा रुकना रुक रुक के करना नहीं चाहिए, अगर करना तो आप कॉन्टिन्यू करते रहिए, जितना हो सके कॉन्टिन्यू रखिए। मैं वाइट जहाँ जहाँ कलर और भी लगेगा वहाँ मैं थोड़ा छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली नेगेटिव कलर है, ग्रीन कलर है, वहाँ से अलग कलर बैठेगा, तो इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। अगर लाइट कलर होता
अगर डार्क कलर होता बहुत तो मैं इसको इसके ऊपर से दे देता, क्योंकि वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो बाकी में दे सकता तो ग्रीन ढक जाएगा, लेकिन सब में ग्रीन नहीं लगता। अभी मैं तो दूसरा कलर दे दूंगा तो वो ढकेगा नहीं, वो ग्रीन दिखाई देगा। ओके नाउ मैं ये थोड़ा सा ऑरेंज ब्राउन थोड़ा सा करना चाहिए, दिस इज ब्राउन ब्लूम्स ओके ऊपर साइड में दूंगा। वो दिखाई दे रहा है, इसमें मैं तीन कलर मिक्स किया, वन सा है ना, थोड़ा सा ऑरेंज और थोड़ा सा ब्लू, ब्लू मतलब अल्टरमेंट ब्लू। यहाँ लाइट है, यहाँ ये देखना पड़ेगा इसमें, ये शिप में वॉल्यूम है तो क्यों वॉल्यूम क्यों हुआ ये करना पड़ेगा, क्योंकि एक साइड में फुला हुआ है, तो अगर लाइट और डार्क अगर नहीं मिला सकते तो प्रॉब्लम हो जाएगा कि वो वॉल्यूम नहीं निकलेगा, तो मैंने यहाँ लाइट कर दिया, आप देख सकते हैं ना, क्या करेगा वो वॉल्यूम कर देगा, मतलब वो गोल एक जो भाव है वो दिखाई दे देगा, फिर मैं यहाँ डाल दूंगा तब वो निकल पाएगा, जब तक नहीं निकलेगा तब तक करता रहूंगा, ये मेरा बात है। नाउ ओके मैं यहाँ क्या है, थोड़ा सा अभी इंडियन येलो है, ओके जो इंडियन येलो ये है मेरा, इंडियन येलो थोड़ा सा देना चाहिए, इंडियन येलो ऐसा लगता है हल्दी का कलर है ना, देख कितना सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा था, थोड़ा सा स्लाइटली ऑरेंज मिक्स कर दूंगा, स्लाइटली कोई परमानेंट ऑरेंज जो होता है आता है नीचे में दिल इसको सुंदर तो और भी मजा आएगा। फिर यहाँ डार्क है, क्यों दिया मैं इसका आपको देख कर ही पता चल जाएगा। नहीं तो वो वॉल्यूम नहीं आ रहा था, इधर से ठीक ब्राउन कलर मैं बोला हमने कभी कोई कलर डायरेक्ट में जल्दी जगह येलो भी दिया तो मैं इसमें येलो के साथ थोड़ा सा ऑरेंज मिक्स कर दिया, वो लगना नहीं चाहिए डायरेक्ट कलर है, तो आप उसको अवॉइड करके थोड़ा तो मिक्सिंग कीजिए तो आपके लिए अच्छा होगा, दिखने में अच्छा लगेगा, डायरेक्ट कलर थोड़ा डायरेक्ट डेकोरेटिव हो जाता है, मुझे अच्छा लगता है, फिर मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता, इसी के लिए मैं यूजिंग सब मिक्सिंग कलर
इधर नीचे क्या है, थोड़ा सा पिंकिश कलर है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको मैं लेकिन पिंकिश नहीं करूँगा, इसको मैं ब्लूइश करूँगा, ठीक है ना। अब देखिए अपोजिट कर लूँगा, मैं बोला ना सब कलर जो इम्पोर्टेंट देना ही है, वो ऐसा कोई बात नहीं है, आप उसको अपने मर्जी से दे सकते हैं, लेकिन वो मैच होना चाहिए, दिखने में अच्छा लगना चाहिए, वाटर कलर का यही बात है। दे दिया, ओके नाइन कम देन अगेन आई विल स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओ सॉरी हिंदी ठीक है, अभी मैंने इसको डार्क कर देना है, इट्स ब्राउन एंड ये क्या है बर्न्ड अम्बर, ये डार्क मैं थोड़ा फास्ट करूंगा, ट्राई करता हूँ फास्ट करने का। ये येलो था, येलो के साथ ये थोड़ा ऑरेंज एंड देन मिक्सिंग पहले कलर दिया था वो डैम हो गया, फिर से मैं ऊपर से दे रहा हूँ एक लाइटली, तो मैं इसको डार्क करूँगा, पहले जो डेप्थ निकालना है पहले थोड़ा सा डार्क चाहिए। ओके नाउ अपर साइड, मैं इसका अपर सेट करने वाला हूँ, जो ऊपर में जो है मैं इसको बस सोचा मैं एक्चुअली मैं कभी कभी पूरा कलर कर लेता हूँ, फिर देन ऊपर से नीचे डिटेल में धीरे धीरे डिटेल हो जाता रहता हूँ, तो मैं एक भी थोड़ा अलग करूँगा, अभी मैं ऊपर से स्टार्ट करूँगा, अभी ये ब्रश पूरा डिटेल करूँगा। देन मैं नीचे आऊँगा, डॉक्टर क्या कर रहा है ये सर,
देखता हूँ फिर मतलब पूरा हमें एक्सपीरियंस करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कभी कभी अलग अलग से ट्राई करके देखता हूँ भी कैसा होता है, ये कैसा होता है, अभी अभी कैसा होता है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, या थोड़ा सा अलग 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 से सोचे, अलग अलग से ट्राई करें। ओके, मुझे यहाँ थोड़ा सा एक काम करना है परमानेंट, थोड़ा सा अलग। अगर मैं यहाँ ग्रीन दे दूँ तो भी अच्छा लगेगा, तो मैं फिर से यहाँ एक ग्रीन दे देता हूँ, मिक्स करके देता हूँ। फिर क्या देना है, फिर यहाँ में सिर्फ ऑनली और शैडो में ब्लू ही है, जो मैं ऊपर में थोड़ा ब्राउनिश दूंगा। ये हो गया ब्राउनिश, इसे भी थोड़ा क्योंकि लाइट गिरा है तो इसे भी थोड़ा लाइट कलर ही देना पड़ेगा। वॉश वॉश बोला है, वॉश में थोड़ा करूंगा ये इसको थोड़ा सा ब्लर ब्लरनेस तो सूखने के बाद इसमें टच करूंगा। अभी नहीं, इन दिस मोमेंट ब्राउन दे दिया मैंने, फिर ऐसे पूरा राउंड शेप लाने के लिए मैं दिया। इसमें ब्लू का ना एक बहुत बढ़िया से देना होगा, तो यहाँ में ना एक राउंड शेप जो होता है ना ये वाला, यही अल्ट्रामेंट ब्लू के थोड़ा डार्क डार्क कलर की वही बात है, बाकी सब एक थोड़ा सा यहाँ ग्रे मिक्स करूँगा डार्कनेस लाने के लिए साथ। देन यहाँ क्या है, यहाँ भी ब्लू ही कलर है तो मैंने यहाँ लाइट ब्लू दूंगा, सेरिलियम दे दो सेरिलियम, इंटरेस्टिंग कलर। देखिए लाइट लेकिन कहाँ से आया ये देखना इम्पोर्टेंट है, लाइट आया है यहाँ से, ये लाइट मतलब उस साइड से आया है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा लाइट गिरा है, गिरे में शैडो दिया नहीं, शैडो देने से अब समझ में आ जाएगा कि कहाँ लाइट गिरा है, कहाँ क्या बात है। मैं यहाँ ब्राउन दूंगा ऐसे ब्राउन डार्क कलर कर दूंगा।
बाद में देख सकता हूँ फिर क्या क्या देना है। मैं थोड़ा सा एक साइड से मैं कलर ले लूंगा लाइट कलर का टाइप बीच में वॉल्यूम है तो उसको थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा है ना। एक साइड लाइट हो गया, एक साइड डार्क भी दे सकता हूँ, थोड़ा सा डार्क कलर मिक्स कर दूंगा। एक साइड में करता हूँ मुझे प्रॉपर फॉलो नहीं करता आ गया ना। अभी शेडो अभी देने से अच्छा नहीं होगा, पहले मैं इसका पूरा साइड दे देता हूँ, ठीक है ना। इसके साइड में येलो से दोनों देना पड़ेगा, क्योंकि बीच में है तो कड़े धूप में तो वही दिखेगा। कलर है मैं दे नहीं करता तो हूँ होता है कि नहीं। Thank you.
ये सबसे बड़ा मुझे ये चीज़ देने में बहुत मज़ा आता है, कोई भी पिक्चर में, कोई भी लैंडस्केप में, या फिर ये रह जाए ना, मेरा मन खुश हो जाता है। और सबसे यही बात है, ये वाला वी आर इंडियन मेक इंडियन, सो इट्स इंडियन फ्लैग, इंडियन फ्लैग। सच में बहुत मन, बहुत ही मन अच्छा लगता है ये चीज़ देने में। कभी कभी ना मतलब ये चीज़ ना ऐसा दे देता हूँ, सिंपल करने के लिए दे देता हूँ, वहाँ हो या नहीं, लेकिन मुझे देख कर जो मज़ा आता है ना, वो भाई ब्रिलियंस का सबसे मज़ेदार सपाट, क्या बोलो ये क्या देखोगी ना लग रहा है इंडिया में जो देख रहे थे, उसके साथ मज़ा आएगा मुझे बताया। ओह शिट, ये सबसे बड़ा गलती होता है मेरा कभी भी। तुमको शैडो ठीक है ना, तो फिर यहाँ का शेडो भी है ये पूरा का,
ये शिप भी दे देता हूँ, नहीं तो ये कॉम्पोजिशन में अच्छा नहीं लग रहा है। इस पे आएगा ये येलो, थोड़ा सा फिर इस पे आएगा तो ब्लैक, ऐसा इट्स नॉट अ ब्लैक। ये थोड़ा सा ग्रेट के लिए दे रहा हूँ, थोड़ा सा मतलब अगर समझे ये कुछ तो है, मतलब पत्थर मत्थर जबरा वगैरह से गंदगी फैला हुआ है ना सर, वो तो मतलब रहता है। मैं पूरा रियलिस्टिक फॉर्म में नहीं दे रहा हूँ, जस्ट ऐसे दूर से अगर ये मेरा इम्पोर्टेंट नहीं, मेरे इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट था उसमें फॉर्म करना चाहिए, जस्ट थोड़ा सा ब्लड दे रहा हूँ। देखिए रही शायद मैं एकदम पूरा रफली दे रहा हूँ,
या मैं छोटा सा नाव लूंगा, तुम छोटा सा। तो हो गया, लेकिन सोच रहा था बैकग्राउंड थोड़ा सा और डार्क दो। आप क्या कहते हैं, है ना? थोड़ा सा सेट में, सेट में भी टेक्सचर वाइज बैकग्राउंड दे देता हूँ। ट्राई करता हूँ। जस्ट आपने एक बच्चे की तरह दिया। यहाँ तो सब काम कर सकते हैं। क्या दे रहा हूँ क्या? तो यहाँ थोड़ा डार्क चाहिए। ब्राउन मिक्स करने एक ब्राउन परावश्यक। थोड़ा सा येलो मुझे लगता है थोड़ा सा एक साइड में थोड़ा सा डार्क देना चाहिए, क्योंकि नहीं तो इसका वॉल्यूम एकदम फ्लैट फ्लैट लग रहा है मुझे लग रहा है। तो मैं इसको इसलिए भी एक साइड डार्क कर दूंगा, अगर ये फ्लैट ना दिखे।
है ना, इतना फ्लैट। ठीक है।